नमस्तु गुरुवर। गुरुवर, शादी के बाद नए परिवार में अच्छे से रहने के लिए मुझे लगता कि लाइफ पार्टनर का वात्सल्य प्रेम मिले तो पत्नी बहुत अच्छे से उस घर में रह सकती है, और अगर और प्रॉब्लम आए तब भी उसको सहन कर लेगी अगर पति का वात्सल्य प्रेम रहे तो। ये कहाँ तक सही है महाराज? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ आज सुबह मैंने प्रवचन में नहीं कहा, लेकिन चूंकि समय हो रहा है फिर भी संक्षेप में कहता हूँ। वहाँ ऐसा लिखा है कि पति को पत्नी का 5 प्रकार से सत्कार करना चाहिए, और पति यदि पत्नी का 5 प्रकार से सत्कार करता है तो पत्नी भी उस पर 5 उपकार करती है। चलने दीजिए, पति 5 प्रकार से क्या सत्कार करे? सबसे पहली बात, पत्नी को सम्मान देना चाहिए। पत्नी सबका अपमान झेल सकती है यदि पति का प्यार मिले, पति का सम्मान हो। तो पहली बात, पत्नी को सम्मान देना चाहिए। दूसरी बात, घर में पत्नी का अपमान नहीं होने देना चाहिए। तीसरी बात, सदार संतोष व्रत का पालन करना चाहिए। चौथी बात, घर की सारी व्यवस्थाएं पत्नी को सौंप देना चाहिए। और पांचवी बात, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, उनके वस्त्र भूषणों में कमी नहीं होने देना चाहिए। ये नीति ग्रंथों में लिखी। ये 5 प्रकार का उपकार सत्कार पत्नी का पति करता है, तो बदले में पत्नी भी पति पर 5 प्रकार का उपकार करती है। अगर पत्नी का सम्मान ठीक ढंग से होता है तो वो घर के परिजनों और नौकर चाकरों का बड़ा ख्याल रखती है। घर में पत्नी का अपमान नहीं होता तो पत्नी का भी सबके प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार होता है। पति यदि सदार संतोष व्रत या एक पत्नी व्रती होता है तो पत्नी भी पाति व्रत धर्म को अपनाती है। पत्नी को यदि वस्त्राभूषणों पत्नी को यदि घर का काम सौंप दिया जाए तो वो घर का संचालन व्यवस्थित तरीके से करती है, और उसके यदि वस्त्राभूषणों में कमी नहीं होती तो हर पल अपना दिल उतारने के लिए तत्पर होती है। तो ये व्यवस्थाएं हैं, तो बिल्कुल सही बात है। स्त्री सबका अपमान बर्दाश्त कर सकती है यदि पति का स्नेह और सम्मान मिले तब। इसलिए चाहिए कि वो पत्नी को सम्मान दे। और एक बात सोचना चाहिए कि एक कन्या किसी के घर आई है तो जिस घर में आई सब कुछ छोड़कर आई, अपना परिवार छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, सारे दोस्त यार छोड़े, सब कुछ छोड़ा और एक नए परिवेश में आ रही, तो वहाँ पलने ढलने के लिए अंतर तो होना ही चाहिए। यहाँ क्या मिल रहा है? एक बार ऐसा हुआ, पत्नी अपने ससुराल आई तो पूछा कि तुम्हें ससुराल में कैसे क्या मिला? बोले देखो, मैंने घर छोड़ा तो ससुराल मिली, माँ बाप को छोड़ा तो सास ससुर मिले, घर छोड़ा ससुराल मिली, माँ बाप को छोड़े तो सास ससुर मिल गए, भाई को छोड़ा तो देवर मिल गया, और बहन को छोड़े तो ननद मिल गई। पति ने पूछा, और मैं? बोले आप मुफ्त में मिल गए।